बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 17 जुलाई टू 23 जुलाई। दो मेजर चेंजेस हैं। 17 को राहु निकल के टॉरस से निकल के एरीज में आ जाएगा, और टोरियन जो है वो रिलीव ले लेंगे, और इनको भी लियो भी इस वक्त पिसे हुए थे वो भी बेहतर होना शुरू हो जाए। प्रोग्राम यही होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 2 है, और जिसमें आप कह लें कि लियो, विर्गो, लिब्रा और सैजिटेरियस। तो ये जो 17 से 23 जुलाई के दरमियान ये ज़रा पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी अप्स एंड डाउन होंगी। लियो आप का नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में 12वां घर अफेक्ट होगा, तो इसलिए आपको कुछ अनसर्टेनिटी अनहोनी नज़र आएगी। बारिशें तो आपके सामने, एक तो अभी बारिशें कुछ भी नहीं हुई, इससे ज़्यादा बारिशें होनी, तो सो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। स्टार्ट करते हैं लियो से। लियो आपका जो हफ्ता वो शुरू हो रहा है आपके 12वें घर से, और 12वें घर में इस वक्त सन और मून इकट्ठे हैं। तो ये 12वें घर में 12वें का लॉर्ड पॉजिटिव बैठा है, तो वही जो आपका था सिस्टम, जो आप इतवार को था रूहानियत में और अपने अखराजात, ये वो पॉजिटिव खुश रहे, नींद बड़ी अच्छी आई, और उसी मोड में आप दोबारा आप पीर का काम शुरू करेंगे, और प्रोफेशन की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होगी। केमिस्ट्री, तसव्वुफ और रूहानियत में भी आपकी दिलचस्पी या कोई सीखने की कोशिश करेंगे, लोगों को सर्विस देने का देंगे, और आपकी छठी भी बेहतर होगी। अपनी सबकत और आप अपनी इज्जत में दूसरों पर अपनी शख्सियत और काम में महारत की वजह से कुछ ना किसी मसले पे सबकत ज़रूर रहेंगे। गैर शरीर रिश्तों में आप कोई ना कोई नेगेटिव इशू में भी घुसने की कोशिश करेंगे, बट अपने आप को थोड़ा सा मता दी कि सन आपके 12वें घर में, तो थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए कि लीगल इश्यूज़ में आपने थोड़ा सा मुताहत रहना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका कोई मसले मसाइल आपको तंग करे। तो 12वें का लॉर्ड 12वें में अखराजात करेंगे, कोई ना कोई शौकिया शॉपिंग, विंडो शॉपिंग तो नहीं होगी, शौकिया शॉपिंग, फालतू अखराजात करेंगे, और इसके अलावा अपने हासदीन के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे। बट एज एंड वन 18, 19 एंड 20, तो यहाँ पे मून, वीनस, मरकरी आपके सैंडन में है, और पहले का लॉर्ड 12वें घर में, सन है और पॉजिटिव बैठा है, तो जब पहले का लॉर्ड उठ के 12वें घर में जाता है ना, तो कुछ मशकूक सरगर्मियाँ आपके से सरजद हो सकती हैं। किक बैक, वो लोग, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिनके हिडन अफेयर्स हैं, रिश्वत लेते हैं, किक बैक्स लेते हैं, या कोई नेगेटिव काम करके अपने आप को, तो उसमें वो उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, उसी की प्लानिंग करेंगे। कोई खुफिया तलकात में भी या खुफिया शादी में भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी, आपकी शख्सियत को इन दिनों में समझना ज़रा मुश्किल होगा, और कोई ना कोई डील करते हुए नज़र आते हैं। या अगर आप बहुत ही अबव 50 हैं, तो फिर अपने किसी मसले मसाइल पे पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका, क्योंकि असेंडेंट बड़ा अच्छा बैठा हुआ, तो दिमाग आपका बहुत काम करेगा, ऑरिटोरिकल एबिलिटी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, बहुत नपतला बोलेंगे आपको, एक आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, एकदम विटी होंगे, क्विक रिस्पॉन्ड देंगे, और अच्छा बोलेंगे, और कर्जियस होंगे, और फिर आपका उसमें भी दिलचस्पी रहेगी, म्यूज़िक में, फैशन में, ब्यूटी में, और अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार श्यार होंगे, तो ये आपको काफ़ी कह लें कि आर्ट में दिलचस्पी, तो ये आपका पूरा 3 दिन बहुत ही अच्छे होंगे।
अच्छा, जब मून वीनस और मरकरी इकट्ठा था तो बंदा बड़ा शीरीज बान भी होता है, इंटेलिजेंट के साथ साथ मीठा बोलता है और खुशगवार खुश गुफ्तगार होता है, बहुत अच्छी बोलता है, पावर एक्सप्रेशन उसकी बहुत बेहतर होती है, लोग आपकी बातों से मुतासर होते हैं, तो ये आपके अंदर एक होगा और यू विल बी लाइक बाय योर पार्टनर आल्सो। प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी नपीतुली प्लानिंग करेंगे। अब प्योर लियोपन आपके अंदर होगा, एक रख रखाव, एक ईगो, एक जो लियो होते हैं वो ही आप नज़र आएंगे, वही अंदर से वही बाहर से, एटीट्यूड एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा होगा। आप प्रोफेशन की तरफ बड़ा अच्छे तवज्जो देंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी और किसी किस्म का कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे आप हर चीज़ को सिस्टमेटिकली, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करते हुए नज़र आते हैं, जिससे आप अपने अपने हर काम को मैनेज कर लेंगे। और बस ये जो मैंने, क्योंकि इसका मीडिएटर 12वें घर में बैठा, वो जो मैंने आपको बातें शुरू में बताई हैं उस पर बस अमल कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, बेहतर हैं और किसी किस्म का कन्फ्यूजन या इंपल्सिव इम्पेशनेस नहीं है। तो ये आप जो कहते हैं ना, रियल पक्के पक्के लियो, जो वो अंदर आपकी जो करेक्टर्स हैं वो खुल के सामने आएंगे और उस दिन अपनी ज़ात के काम निकालेंगे, अपने आप को सीधा करेंगे, अपने रुके हुए कामों को ठीक करेंगे। तो ये 3 दिन आपको काफ़ी अपनी प्रोग्रेस निकाल दे, क्योंकि आपकी राहु की स्केयर निकल गई है तो ज़हनी तौर पे आपको अंदर एक सुकून होगा, एक नॉर्मेलिटी होगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपके मुंह पे ऐसे मुंह दबाया हुआ था या तकिया ऊपर के, तो आप सांस नहीं ले रहे थे, तो आपको ये जो 3 दिन ऐसे फील करेंगे जैसे साई जिसे कहते हैं ना, सुकून का सांस लेना, वो आपका नज़र आता है। आगे चलते हैं 21st, 22nd, 23rd, ये आपके दूसरे घर में मार्स और मून है, तो इसका दूसरे का लॉर्ड भी 12वें घर में बैठा है, तो ये जो 12वां घर जो थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर रहा है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा उसको में आपने ज़रा केयरफुल रहना होगा। जितनी मेहनत से पैसा कमाएंगे उतनी गलत एक्टिविटी पे ज़ाया करने की कोशिश भी करेंगे, तो ये आपको फ़ायदा कौन है असूल, कुछ कोई खुफिया सरगर्मियाँ, कोई हिडन अफेयर्स में आपके आपका जो आगे होगा अपोजिट सेक्स आपको फटीकें डालेगा, आपसे खर्चे करवाएगा, मुझे मैक्स प्रो ले दें, मुझे ये ले दें, 5-6 लाख की फटीक दे देंगे, आप भी बड़े दयालु हो के अच्छा ये लो मैं आपको ये ले देता हूँ, तो ये पैसे का ज़्या होगा, इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप अपने पैसों या फिनांसिस को आपने सोच समझ के इस्तेमाल करने होंगे किसी किस्म का, या सिर्फ इस चीज़ का। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है तो कोई खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आप पे कोई जो अगर है तो बुढ़ापे वाले, अगर बुढ़ापे वाले लियो तो उस पर पैसे खर्च होते हुए नज़र आते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो आपने बस क्या करना है, आपने गुस्से पे काबू रखना है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना और शार्ट टेम्पर्ड नहीं होना। अगर आप शार्ट टेम्पर्ड हुए तो और एडमेंट हुए तो फिर आप कह लें कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है फिर। तो दूसरा घर है लियो मार्स बैठा है, पैसे आएंगे, पैसे कमाइएगा, पैसों की तरफ कर्जा मिल जाए कर्जा उतार दीजिएगा, कोई आप घर बेच के कोई पैसा लेते हो, कोई सॉलिड प्रॉपर्टी बेच के पैसे, प्रॉफिट में आपको पैसे आ जाएंगे, या आपके कोई रुके हुए पैसे भी निकल आएंगे। मार्स आपका दौलत का लॉर्ड है, दूसरे घर में है, और बस ये है कि कोई जायदाद ज़मीन बेच के ना अपने उनको ना खिला दीजिएगा, मैं सिर्फ इस चीज़ का डर है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे माशरे में ना लुट मार बहुत पड़ी, हर बंदा दाते लग गया, हर बंदा दाते, और लियो जो ना बेचारे उनकी तारीफ कर दो, ये एरिस की तरह ना ये भी लुटने को तैयार होते हैं, अपने आप को लुटाने पे तैयार होते हैं, लुटने पे तैयार होते हैं, इसलिए इसका प्रेस का गुस्सा ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मार्स जब दूसरे घर में आता है तो थोड़ा सा बंदा अग्रेसिव होता है और सख्त लैंग्वेज यूज़ करता है, जो तो बाज़ दफ़ा गाली गलौज भी कर जाता है, जिससे ना लोग थोड़े से खफा होने के चांसेस है। यहाँ पे आपने मसाले वाली चीज़ें यहाँ पे आप बड़ा गोश्त नहीं खाना, वो आपको ट्रिगर करेगा, दांतों के मसले दांतों में आपको आ जाएगा ये, तो नींद अच्छी आएगी, थके होंगे,
तो यहाँ पे आप काफ़ी एडवांटेजेस लेते हुए नज़र आते हैं। लियो खुश रहिएगा, आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, क्या हाल आपका? ये हफ़्ता आपका लेके आया हूँ और ये आपका 17 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान स्टार्ट आपके 11वें घर से इतवार को था, जो आपने सोचा था, जो ख्वाहिश की थी, जो तमन्नाएं दिल में आई थी वो पूरी होती हुई नजर आई। मंडे आपको 17 को आपको काफ़ी फायदा रहेगा, मूड स्विंग बड़ा अच्छा होगा, हर बंदा आपके साथ कोऑपरेटिव होगा, आप कोऑपरेशन करेंगे, मूड आप बड़ों की इज्जत करेंगे, बड़े आपकी हेल्प करेंगे, कोई ना कोई ख्वाहिश ऐसी होती है, जब 11वें का लॉर्ड 11वें में होता है तो कोई ना कोई ख्वाहिश चल के पास आती है और बहन भाइयों का भी तामन साथ रहता है, तो इसलिए ये आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे दे देगा, यानी ऐसा कोई मसला नहीं होगा जहाँ पे आपको नुकसान हो। आगे चलते हैं विरगो, आपका 12वें घर में 3 सितारे हैं, मून, वीनस और मरकरी। अच्छा, जब मरकरी आपका 12वें घर में हो ना तो बंदा थोड़ा साइकिक एबिलिटीज, थोड़ी लेजीनेस ज़रूर आती है और पोएटिक होता है, जेनरस होता है और हेल्पफुल टू अदर। अच्छा, रिसर्च वर्क में आपको बहुत फ़ायदा मिलता हो नज़र आ रहा है, एक्सीलेंट फॉर रिसर्च एंड वर्किंग बिहाइंड दिस सीन वाला आपको बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा। और क्योंकि अपना आपका बैठा हुआ है 12वें घर में मरकरी, सॉरी उसमें लियो में, तो जब लियो में मरकरी आता है ना तो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, लेकिन ग्रिप आपकी काम, क्योंकि 12वां घर है पुअर ग्रैप्स और स्लो टू फॉर्म एंड चेंज ओपिनियंस, यानी कि फैसला करते हुए थोड़ी सी सुस्ती होगी और फैसले को बदल नहीं पाएंगे और एकदम लेट करेंगे, बट आप अपना आइडिया सेल करने में कामयाब हो जाएंगे और स्पाउस के नीचे हैंड पैक जिसे कहते हैं ना वो नज़र आती है। अच्छा, जब एक तो वीनस और मरकरी इकट्ठा होता तो बंदा मीठा, अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा हर चीज़ को अच्छाई के साथ पेश आना, और मून मरकरी हो तो बंदा बोलने की सलीहियत बड़ी अच्छी होती है, बोलता बड़ा अच्छा है, उसकी मेमोरी बड़ी काम करती है, एक्सप्रेसिव होता है, कॉमन सेंस अच्छी होती है, और अगर मून के साथ वीनस भी आ जाए तो ब्यूटी और आर्ट एंड म्यूज़िक में दिलचस्पी बढ़ जाती है, शायरी होता है। तो ये 12वां घर आपको काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है, बस एक्सपेंडिचर आप अननेसेसरी चीज़ों पे, जेवरात पे, कपड़ों पे, या उस पर ऐसे क्या कहते हैं डेकोरेशन पे, इंटीरियर पे ना फजूल पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बरसात का महीना गुजरने दीजिएगा, फिर घर की जीनत की तरफ तवज्जो दीजिएगा, रैश व तंजीन पे, तंजीन और रैश या रैश व तंजीन पे तवज्जो दीजिएगा, ये आपको यहाँ पे फ़ायदा भी होगा, कोई ना कोई आपके साथ इंटरमेसी भी, या आपको कोई क्या कहते हैं किक बैक में भी शामिल करने की कोशिश कीजिएगा, तो मुताहत रहिएगा, सोच समझ के आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइएगा। आगे चलते हैं 21, 23, 22, 23 मून मार्स आपके सैंडेंड में है और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में, वो फिर आ जाएगा फालतू अखराजात सोचना, नेगेटिव इशू में ऐसा लेना, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल करना है, ज़रूर से ज़्यादा अपना दिमाग को खपाना नहीं, इमोशनल नहीं होना, यहाँ पे आपको गुस्सा बढ़ा आएगा, एकदम रिएक्ट करेंगे, बोलेंगे, अपने ऊपर काबू नहीं रखेंगे और ओवर एक्टिव ओवर कर्जिस होने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल रखिएगा, आपको यहाँ फ़ायदा उठाना है, ना कि गुस्से में आके आप अपना ही नुकसान कर लें, बेहतर है खामोशी से वक्त गुजारिएगा, आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ, सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, बाकी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे पहले का लॉर्ड दूसरे घर में गया हुआ है, 12वें घर में गया हुआ, तो वही खुफिया कोई इलीगल कामों में आपने कोई नहीं पढ़ना, खुफिया डील या कोई इस तरह का नेगेटिव इशू में जाएंगे ना तो आपको सूट नहीं करेगी, तो यहाँ पे आप अपने कामों को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर बड़ी एक्टिव जेन होगा आपका बहुत ही, और बड़ी तेज़ी से काम करते हुए और बोल्ड तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग आपकी बड़ी तीखी होगी, सख्त होगी और बड़ी तेज़ी से बहादुरी से एनर्जी के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं।
एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एटीट्यूड थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, विल पावर तीखी होगी, और प्रोफेशन की तरफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और क्विक टेंपर और सेल्फिशनेस और इम्पल्सिव होने के चांसेस हैं। तो इसको आपने अपने आप को ठंडा रखना होगा, अदरवाइज आप अपने आप को शाम का हाइपर होंगे तो शाम को थके आ रहे होंगे, नींद बड़ी आएगी, तो बड़ा अच्छा आपका चलता हुआ नजर आ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी लिब्रा, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं? आपका ये हफ्ता लेके आया हूँ आपका 17 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान क्या होने राहु की तब्दीली। राहु आपके सातवें घर में आ रहा है, खेड पीट, मियाँ बीवी की लड़ाई, कमर दर्द और मिस कैरेजेस, ये आपको साथ साथ हैं। तो लिब्रा एरीज और आप दोनों इस वक्त फिर कह लें कि एक डोमेस्टिक जो ख़ासतौर पर मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिलने जा रहा है, और मैदे का मसले मसाइल आपके शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुतात होकर चलना होगा आपको, यहाँ पे केयरफुल होना चाहिएगा। ये जो अगला 1.5 साल है इस पर आपने बहुत ही सोच समझ के अपने आप को टैकल करना। मेरा प्रोग्राम सुनते रहिएगा, आपको वक्त पे गाइडलाइन मिलती रहेगी, होना तो वही जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया हुआ है, मे भी ये सबब बने अपने आप मसले को सीधा करने में कामयाब हो जाए। मैं चटपटी चीज़ों से परहेज करना, मसालेदार चीज़ें नहीं खानी। 10वें घर में आपका 10वें का लॉर्ड 10वें में है, तो 10वें का लॉर्ड 10वें में होता है तो बंदे में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आती है, आप खुश होंगे, बॉस भी खुश होगा, कोई प्रॉफिट भी आ जाएगा, कोई बेवरेज के कारोबार में भी आपको कोई उठान मिल जाएगी। तो यहाँ का स्टार्ट आपका मंडे को विद एलिवेशन, विद प्रोटोकॉल, विद इज्जत रुतबा मर्तबा सीयत आपका उठान नज़र आती है और अच्छे तरीके से करते हुए नज़र आए। बट एक चीज़ याद रखिएगा लिब्रा, स्केयर है आपको 10वें घर के, तो सन थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तो बॉस के साथ आपने ना ऊंची नीची नहीं करनी, क्योंकि आपका 10वां घर अफेक्ट हुआ हुआ है, तो 10वां घर अफेक्ट होगा, तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कंपोज करके रखें, थोड़ा सा माँ बाप के साथ माँ बाप की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं 18, 19, 20, यहाँ पे मून मरकरी वीनस इकट्ठा है और 11वें का लॉर्ड 10वें घर में है, और जब 11वें का लॉर्ड 10वें घर में आता है तो बंदा किसी ना किसी को अपने कारोबार में शामिल करता है और कोई प्रॉपर्टी लेता है, मेहनत करके कोई नया कारोबार शुरू करता है, वालदेन की भी यहाँ पे रहती है और बहन भाई के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है आपका वो जायदाद की तकसीम पे, बट ओवरऑल यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे, एक्टिव होंगे, बोलने की पावर बहुत अच्छी होगी, कोई ना कोई होप्स पूरी होती हुई नज़र आती है, कोई ना कोई प्लानिंग होती नज़र आ रही, शादी तय होती नज़र आती है, और जिसे कहते हैं ना कि कोई फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको कोई पेशरफ्त अच्छी मिल जाएगी, और उसके अलावा कोई फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज और वाइफ का रोल आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ दे देगा, आपको यहाँ पे एडवांटेजेस हो सकता है और काफ़ी फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेफ़्ट आर्म में आपका प्रॉब्लम या लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छा नपतला, अगर आप सफ़र भी करेंगे तो रास्ते में बड़ा आप खाते पीते, म्यूज़िक सुनते, आपके आर्ट्स में दिलचस्पी, फैशन में दिलचस्पी, और बोलना आप बड़ा बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करते हुए भी नज़र आता है, और आप अपने स्पेकुलेशन, आपकी फोरकास्ट बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके लिब्रा आपका ये आपका दिन बहुत ही 3 दिन अच्छे हैं, और 21, 22, 23 मार्च आपके 12वें घर में और 12वें का लॉर्ड 11वें घर में, तो यहाँ पे थोड़े से आपके अंदर एक एग्रेशन आएगा, ज़रा 12वां 11वें का कम्बिनेशन, बहन भाइयों से कोई फ़ायदा मिलेगा, आप अपने आप को खुद नुमाई में मशहूर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ दोस्तों के साथ या बहन भाई के साथ मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट मत शुरू कीजिएगा, वो आपका आपके साथ डॉज हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ हो सकता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस पूरे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। 12वें घर में जब कुछ चीज़ हो तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते,
और 12वें घर में मार्स जो होता है ना, वो काफ़ी काफ़ी कह लें कि बंदा काफ़ी कह लें अपने आप को ना काफ़ी खींच के रखता है, अपने आप को गुस्से में आता है, अखराजात बहुत करता है और फिर एकदम रैक्ट कर जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को कंपोज करके रखना होगा, क्योंकि मरकरी आपके 11वें घर में है। तो इंटेलेक्चुअल का काम लीजिएगा और सोशल इशू में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। नेगेटिव कामों में जाना, मोटरसाइकिल हेलमेट के बगैर नहीं चलाना, ड्राइविंग मुताहत होकर चलानी, एक्सपेंडिचर पर्स संभाल के रखना है, अपना बटवा संभाल के रखना है, कोई पैसे लेके आपने कोई साथ में आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे गुस्से पे ज़रा काबू रखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको लीगल चार्जेस थाना कचहरी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। और फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी भी नज़र आती है, बाहर का सफ़र भी नज़र आता है, लेकिन बड़ा अग्रेसिव होंगे, ताकत होगी, किसी ना किसी बात पे अड़ जाएंगे, ओवर रिएक्टिव हो जाएंगे, और कहते हैं ना उलझ जाना, ज़िद पे अड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को इमोशनल होने से बचाना। 12वां घर आपको ना वैसे ट्रिगर करेगा, उठाएगा, ये कर दो वो कर दो, जहाँ पे आप फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को कूल एंड काम रखिएगा, आप देखिएगा फिर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियन, क्या हाल आपका, ये हफ्ता लेके आया हूँ। स्कॉर्पियन आपका राहु निकल गया असेंडेंट से, लिहाजा मौजें करें, टेंशन एंजाइटी प्रॉब्लम ख़त्म। आपके अब राहु आपके केतु आपके 12वें घर में है, क्योंकि राहु पहले आपके 7वें घर से निकल के अब आपके 6ठे घर में आ गया और उधर केतु आपके 12वें घर में आ गया। तो स्कॉर्पियन को भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे खाम खा टेंशन एंजाइटी में फंसे हुए थे। स्टार्ट आपका 9th हाउस से हो रहा है, 9th का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो ये मजहबी सफ़र, कोई श्राइन का विज़िट, मुझे ऐसा लगता है जो लोग हज पे गए हुए हैं या गए तो उनका सफ़र वापसी का या कहीं और दूसरे शहर में वो जाते हुए नज़र आते हैं, और काफ़ी ज़हनी तौर पे मेंटली बड़ी इंट्यूशन होगी और बहुत ही आप कहते हैं आबादात की तरफ तवज्जो दे के फिर आप यहाँ पे सदकात खैरात दान ये भी करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की मदद करके भी बड़ा खुश होंगे। 9th हाउस आपको पता है, जैसे ही आपको पता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग है, फॉरेन ट्रैवलिंग दो किस्म की होती है, एक फॉरेन एजुकेशन और एक मजहबी। तो मजहबी भी होगी, कोई कोई आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला रहेगा तो बाहर भी चल जाएंगे या वहाँ से वापस आते भी नज़र आते हैं, और वहाँ की एजुकेशन में भी आपको आपका साथ मिलेगा, आपकी आपका विजडम में इजाफा होगा, चैरिटी में इजाफा होगा, रिसर्च वर्क में बड़ा अच्छा होगा, मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा। ख्वातीन जो प्रेग्नेंट है वो सफ़र ना कीजिएगा अपनी इन डेट में, क्योंकि जब 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो बंदा रास्ते में बच्चा पैदा होता है, तो इसलिए बेहतर है कि अपना थोड़ा सा आगे चलते हैं। 18, 19, 20 यहाँ पे आपके 3 से आ रहे हैं, मून वीनस मरकरी, और 10वें का लॉर्ड 9th में है, बड़ी अच्छी पोजीशन है। वैसे तो स्कॉर्पियो ये हफ्ता आपको तो बहुत कुछ देने जा रहा है, 10वें का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो ज़िंदगी में कोई भी तरक्कियाँ मिलती हैं, फ़ायदे मिलते हैं, अपने आप को फैलाने का चांस मिलता है, अपने अपने कारोबार को एक्सपेंड करना, अपने अपने बिजनेस को बेहतर करना, और मे भी इसको बैन अवी सतह पे बाहर के मुल्क पे सतह पे ले जाने का शौक करेंगे। आपको जो भी प्रपोज़ल आप फॉरनर को देंगे या बाहर के मुल्क को देंगे वो फ़ौरन ही, ये 3 दिन आप अपना इस चीज़ पे काम करें, और जो अगर बाहर का तो आपको कामयाबी मिलती नज़र आती है, यहाँ पे गैबी मदद भी आपको मिलती मिल जाएगी, बेशुमार फ़ायदे होंगे और जम के कारोबार आपका होगा और आपको फ़ायदा होगा। आप अपनी औलाद और सोशल वर्क और दूसरों की खिदमत बड़े शौक से मजहब फ्रीज़ा समझ के करेंगे और माशी इमदाद भी शुरू कर देंगे, अपना सब कुछ दूसरों पे निछावर करते हैं, बड़ा आपके अंदर एक बड़ी एक होगा कि लोगों की मदद करना, लोगों का खर्च करना। तो ये कुकलाबाद में जितना आप खर्च करेंगे, किसी की मदद करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आता है, कमाल का इस वक्त आपका दिमाग होगा। और फिर ऊपर से मरकरी भी उधर, वो भी उधर, तो यहाँ पे आप कह लें कि
एक एनर्जी आपके अंदर होगा। जब देखें मरकरी यहाँ पे बन रहा है आपके दसवें घर में लियो में, जब लियो में मरकरी होता है ना तो बंदा स्ट्रांग माइंडेड होता है, और लेकिन ग्रिप उसकी कम होती है और अपने आप को चेंज ओपिनियन चेंज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी करता है, बट अपने आइडिया को अच्छी तरीके से सेल करने में कामयाब हो जाता है। और फिर आपके क्योंकि दसवें घर में मरकरी है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, एकेडमिक अचीवमेंट आपको कुछ अच्छा मिल जाएगा, कैरियर में फेम और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आती है। तो दसवां घर आपको पता है रुतबा मर्तबा सी है, तो वहाँ पे आपके तीन बैठे हैं, तो कारोबार में ठान प्रमोशन या बिजनेस में फ़ायदा, कोई नया कारोबार सेट करने में कामयाब है, कोई नई चीज़ों में आपको दिलचस्पी बने, आपकी कह लें कि आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा और काफ़ी डिग्निटी और ऑनर में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। इसी तरह आप 21, 22, 23 मार्च आपके ग्यारहवें घर में मून के साथ आ जाता है और बड़ा पॉजिटिव, यहाँ पे इसको जुपिटर की ट्राइन भी है, तो क्योंकि अब ये काफ़ी यहाँ तो आपको एडवांटेज बहुत है, और ग्यारहवें का लॉर्ड दसवें घर में, अब ग्यारहवां और दसवें का कम्बिनेशन भी कमाल का होता है, कमाल का होता है। ग्यारहवें का लॉर्ड जब दसवें घर में जाता है तो आप दिनावी मामलात में तरक्की लेते हैं और वालदान से भी मदद मिल जाती है, दौलत भी आती है, कोई नई जायदाद, नए कारोबार, नई फैक्ट्री, नई दुकान, नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ख़ुद से कमाई हुई इज्जत व शोहरत मिलती है, वालदान की तरफ से भी कारोबार बढ़ाते हुए वालदान आपके साथ साथ दें या वालदान के साथ कारोबार में हो जाएंगे और फिर कारोबार को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर है आपका। एंड जो ना कह देंगे, बस आपने अपने गुस्से पे काबू पाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, एकदम रिएक्ट नहीं करना, एडामेंट नहीं होना, आपके इन दिनों में कोई ना कोई अच्छी ख्वाहिश पे होगी, आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, आपकी वाइफ भी आपको कोई फ़ायदा देने में कामयाब हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। मे बी आपकी यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग आपके अंदर एनर्जी होगी और काफ़ी तेज़ी से आप काम करते हुए नज़र आते हैं। तो अब अजान भी होना चाहती है तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा, बड़ों के साथ इंटरेक्शन, बड़े आपके साथ होंगे और कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।